कुख्यात ड्रग तस्कर पर मामला दर्ज, भेजा गया जिला भद्रवा जेल। नमस्कार, मैं रजनी सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं फेयर वॉइस न्यूज। डोडा के कुख्यात ड्रग तस्कर पर निवारक हिरासत के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे जिला जेल भद्रवा में बंद कर दिया गया। डोडा पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए मुहिम जारी की, जिसमें एक कुख्यात पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस स्टेशन डोडा में बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो दर्ज की जा रही थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा था, गुलाम हसन, सन ऑफ अब्दुल सतर हजाम, रेजिडेंट ऑफ तंतना तहसील गुंदना, डिस्ट्रिक्ट डोडा, जो कि एक रेगुलर ड्रग पेडलर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इस पर जो हमारी यंग जनरेशन है उनको ड्रग कंज्यूम करवाने और ड्रग एडिक्टेड बनने का आरोप भी सामने आ रहा था। जैसे ही हमारी डोडा पुलिस को इस बारे में खबर मिली तो वो तुरंत एक्शन में आ गई और उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो तैयार की। जो भी इस ड्रग सेलिंग या ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हमारी यूथ है, और चाहे ये गुलाम हसन है, उसके बाद हमारी जो डोडा पुलिस है उन्होंने एक पुलिस पार्टी तैयार की, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह, एसएचओ पीएस डोडा, जिन्होंने ड्रग पेडलर को पकड़ा और साथ ही साथ भद्रवा जेल में जो है उन्हें बंद किया। डोडा पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव जो है वो लॉन्च किया है, जिसके थ्रू वो आम जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जितना हो सके आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, ताकि हम इन ड्रग पेडलर्स को जो है जड़ से ख़त्म कर सकें। और साथ ही साथ पुलिस की जनता से ये अपील है कि अगर आपको अपने आसपास कहीं पर भी कोई ऐसी गतिविधियां नज़र आती हैं या आपको कोई भी जानकारी मिलती है ड्रग्स के रिलेटेड, तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि जो पुलिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता की सहायता कर सके और जो हमारी यंग जनरेशन है जिनको ड्रग्स की इतनी लत लग चुकी है उन्हें वो इस दलदल से बाहर निकाल सकें।